जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों, उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, आयुर्वेद का भरपूर उपयोग कर रहे होंगे और प्रकृति के साथ जुड़ करके चल रहे होंगे। आज हम आपको कमर दर्द, गठिया का एक बहुत चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं। बहुत आसान, बहुत सस्ता, बहुत सरल, चमत्कारिक घरेलू नुस्खा है ये। आप क्या करें कि पंसारी की दुकान से, किसी भी पंसारी की दुकान से चोप चीनी आता है, चोप चीनी का टुकड़ा ले आ लें आप। उसको लगभग 100 ग्राम 200 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं। करना ये है कि आप रात को उसको 6 ग्राम के टुकड़े को, लगभग एक अंदाज बना लीजिए, 6 ग्राम के टुकड़े को काट करके 100 ग्राम पानी में उसको भिगो दीजिए रात्रि में ही, और सुबह तक वो एकदम नरम हो जाएगा, उसमें फूल जाएगा। उसको उठ करके करना क्या है कि आप अच्छी प्रकार से उसको मसल दीजिए, निचोड़ दीजिए उसमें, और मसल दीजिए तो पूरा उसी में गल जाएगा वो, और उसको पिला दीजिए। आप ये समझ लो कि जो गृद्धसी रोग होता है, रीगन बाय, कमर दर्द, या कहीं भी रक्त में विषाक्तता ज़्यादा बढ़ी हुई, टॉक्सिन ज़्यादा बढ़े हुए हों, ये समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाती है मात्र कुछ दिनों के ही उपयोग से। ये चोप चीनी इतना ज़्यादा जो है गुणकारी है। और दूसरा क्या कर सकते हैं हम, जैसे कमर दर्द हो रहा हो, घुटने में दर्द हो रहा हो, शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा हो बाहर से, तो बाहर से जो तारपीन का तेल होता है, अगर उसको भी मात्र से तारपीन का तेल आप अप्लाई करते हैं तो दर्द को ख़त्म करने की, दर्द को खींचने की क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा है। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि तारपीन का तेल है, पेंट में मिलाते हैं तो हम इसको लगा नहीं सकते। अधिकतर जितने भी गठिया वगैरह के तेल आते हैं दर्द के, सब में इसकी मात्रा पड़ी रहती है। तो आप जो है इसका उपयोग करें, इसी प्रकार से स्वस्थ रहें, बेहतर रहें, आयुर्वेद के साथ चलें। ये जीवन विज्ञान है तो जीवन के साथ चलेंगे। भोजन में संतुलन की बहुत आवश्यकता है, विरुद्ध आहार को पहचानें, आराम आराम से भोजन करें, खाने के कम से कम 90 मिनट बाद पानी पिएं, और कोशिश करें कि जो पानी पी रहे हैं हम बार बार दिन में, उसको सलाद या फल के रूप में लें। उसमें भी पानी लगभग 75-80-90% तक पानी जो है पत्तियों में है, फलों में है, जूसों में है, आप उसको लें, वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। आरओ के पानी से लगभग बचिए। कितनी भी अच्छी कंपनी का आरओ हो, कुछ भी हो, पानी की गुणवत्ता ही घटाएगा, बेहतर नहीं कर सकता। उसमें से मिनरल्स को अनाप शनाप ढंग से छांटेगा, काटेगा, और वो प्रोसेस्ड वाटर है, एक तरीके से प्रोसेस्ड वाटर है, और वो गुणवत्ताहीन होता है। उसमें टॉक्सिन्स ज़्यादा होते हैं जो दिखते नहीं हैं, आणविक संरचनाएँ उसकी बिखर जाती हैं। तो धरती माँ के स्वरूप है और माँ जो देंगी वो बेहतर ही देंगी। जो पानी हम नीचे से निकालते हैं नल से, हाँ म्यूनिसिपैलिटी का जो पानी आता है वो क्लोरिनेशन के बाद, वो तो ठीक है, दूषित है ही है, उसको नहीं पी सकते हैं, और क्योंकि वो भिन्न भिन्न तरीके के रोग करता है शरीर में, और कहीं पे अगर पाइपलाइन टूटी हुई है तो उसमें भी गंदे पानी शामिल हो सकते हैं। बाकी जो नीचे से पानी आ रहा है पंप के जरिए या नल के जरिए, आप बिना हिचके, क्योंकि वो नीचे सारे फिल्टर लगे हुए हैं, आपको उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। सोचने की ज़रूरत है कि हमारा फिल्टर कितना ज़्यादा नुकसान हमें कर रहा है, जो हमें कैंसर तक की यात्रा कराएगा, तो वो उससे बचें। और बाकी जो ये बताया चोप चीनी वाला उपाय करें, गठिये का जो दर्द है या रीगन बाय का दर्द है, ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। जय श्री राम, वंदे मातरम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और अपने मित्र गणों तक पहुँचाएँ, ताकि इन उपायों से वो सुरक्षित रहें, लाभान्वित रहें, और क्योंकि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, जीरो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आसान है, सुलभ है और हर कोई अपना सकता है। जय श्री राम, वंदे मातरम।